नमस्कार साथियों, YouTube चैनल वेटरन्स न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम स्टेट बैंक के डिफेंस सैलरी अकाउंट के बारे में बात करेंगे। इस सैलरी अकाउंट के लिए आर्मी अथॉरिटीज और बैंक अथॉरिटीज के बीच में एक MOU हुआ है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। इसके जो प्रावधान है वो 4 जनवरी 2019 से लागू होंगे। पहले भी हमने एक वीडियो बनाया है, ये वैसे भी हमने सुना है, दाएं बाएं से सुना है कि इसमें बहुत सी चीजें हैं जो सर्विसमैन के लिए या सर्विंग सोल्जर्स के लिए रियायतें या जो बेनिफिट्स दिए हैं स्टेट बैंक ने। आज हम देखेंगे कि MOU में क्या क्या चीज लिखी हुई है। पहले हमारे पास ये चीजें अवेलेबल नहीं थी कि उसमें लिखा क्या है आखिर, या बहुत से लोग बोलते थे कि इसका अथॉरिटी क्या है, तो वो अथॉरिटी आज आ गया है, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। साथियों, हम आगे बढ़े इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में घंटी का निशान आता है उसको प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। हम इस तरह की बहुत अच्छी चीजें लाते रहते हैं, उनका आपको पता लगता रहेगा तुरंत। साथ ही अपने साथियों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। साथियों, जो ये सैलरी अकाउंट का जो MOU है, ये आर्मी अथॉरिटीज और बैंक अथॉरिटीज के बीच में 12 जुलाई 2018 को साइन हुआ है। हालांकि इसके जो प्रावधान है वो 4 जनवरी 2019 से लागू होंगे। तो हम अभी डिटेल में इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि क्या क्या प्रावधान हैं इसमें, और जैसे इंश्योरेंस वगैरह का है, खुदा न खास्ता किसी को इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो उसका क्लेम किस तरह से होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, और इसके साथ ही स्टेट बैंक है वो क्या क्या फैसिलिटीज अकाउंट होल्डर्स को देगा। साथियों, ये जो MOU है ये सबसे पहले 28 जनवरी 2011 को साइन हुआ था दोनों अथॉरिटीज के बीच में। उसके बाद ये रिवाइज हुआ था 23 फरवरी 2015 को, और अभी फिर ये दोबारा से रिवाइज हो रहा है, यानी ये साइन हुआ है 12 जुलाई 2018 को, जो 3 साल के लिए होगा, यानी ये MOU 3 साल चलेगा। इसके बाद इसके प्रावधान में अगर कुछ चेंजेज की जरूरत होगी तो चेंजेज होंगे और उसको दोबारा रिन्यू किया जाएगा। इस MOU में बताया गया है कि जो सैलरी होगी या पेंशन होगी वो लास्ट वर्किंग डे या जो भी डेट डिसाइडेड होगा उसको बैंक क्रेडिट कर देगा, और इसके अलावा जो कुछ एरियर्स होंगे या कुछ सैलरी पेमेंट होंगे या कुछ बीच में इस तरह के जो क्रेडिट अकाउंट्स में करने के लिए होगा वो विदिन 24 आवर या 1 वर्किंग डे के अंदर वो कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इसमें बताया गया है कि जिन लोगों का जो अकाउंट है वो DSP अकाउंट नहीं है, जो पेंशन या उनकी जो सैलरी है वो नॉर्मल अकाउंट में आती है, तो उनके लिए उन्होंने एक एनेक्चर दिया हुआ है, वो अगर बैंक में सबमिट किया जाता है तो उसके बाद वो उसको कन्वर्ट कर देंगे सैलरी अकाउंट में या पेंशन अकाउंट में। और उसके साथ ही अगर कोई बंदा चाहता है कि उसका अकाउंट SBI से ट्रांसफर हो जाएगा, जो यहाँ सैलरी अकाउंट रखने के बजाय वो किसी दूसरे बैंक में रखना चाहता है, तो उसके लिए इसमें MOU में एनेक्चर 3 दिया हुआ है, वो सबमिट कर देगा। उसमें एक नो ड्यूज सर्टिफिकेट होता है, वो नो ड्यूज सर्टिफिकेट बैंक अथॉरिटी से साइन करवा लेगा और वो अपना अकाउंट दूसरे बैंक में भी ले जा सकता है। इसके अलावा जो कैंटोनमेंट्स या जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं या एकेडमीज हैं जहां आर्मी के पर्सनल रहते हैं, अफसर्स, JCOs, OR, वहां पे जो भी अकाउंट खोलेंगे वो DSP अकाउंट ही खोलेंगे। आगे इसमें विवरण दिया गया है कि बैंक अकाउंट होल्डर्स को क्या क्या फैसिलिटीज देगा, तो अभी हम उसकी फैसिलिटीज की बात करते हैं। साथियों, इसमें फैसिलिटीज की बात करते हुए MOU में बताया गया है कि जो स्टेट बैंक है जिसके पास लार्जेस्ट नेटवर्क है ATMs का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट एनी टाइम यूज कर सकता है जो डिफेंस सैलरी अकाउंट होल्डर है, और साथ में ही जो दूसरे बैंक के जो ATM है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकता है। इसमें अकाउंट होल्डर है वो एनीवेयर बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकेगा। साथ में ही जो अकाउंट होल्डर है, जो सिंगल अकाउंट होल्डर या जो डबल अकाउंट होल्डर है, उसको एडिशनल ATM भी दिया जाएगा फैमिली के यूज करने के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसमें आगे बताया गया है कि 20,000 तक के कोई आउटस्टेशन चेक कोई बंदा अपने अकाउंट में चेक करता है तो उसको इंस्टेंटली क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी उसको क्लियरेंस के लिए 3 या 2 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो तुरंत उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। इन अकाउंट होल्डर्स को जो लॉकर्स हैं उसमें प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी जो बैंक में लॉकर्स होते हैं उनमें प्रायोरिटी दी जाएगी। वो कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे कोई बैंक फीस है, स्कूल फीस है, या कोई और उसके पेमेंट करने हैं, बिल्स के पेमेंट करने हैं, वो किसी महीने के, या जैसे म्यूचुअल फंड में या कोई बिल वगैरह पेमेंट होने हैं वो किस तारीख को पेमेंट होने हैं, उसके अगर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उनके अकाउंट से वो ऑटोमेटिक कट करके अगली जगह जा करके जमा हो जाएंगे, तो उनका कोई बैंक चार्ज नहीं लेगा। इसके साथ ही जो फाइनेंशियल एडवाइजर की सर्विसेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। अगर उन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट करना है या कोई लोन लेना है तो उसके लिए अगर किसी से जानकारी लेनी है बैंक में, तो वहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, वो फाइनेंशियल एडवाइजर अकाउंट होल्डर से कोई फीस नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देंगे। इसके साथ ही जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनको एजुकेशन लोन या दूसरे तरह के लोन की भी फैसिलिटी प्रायोरिटी पे दी जाएगी, उसके बारे में इसमें डिटेल में दिया हुआ है जो आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही जो CHD कैंटीन में जो मशीन लगी हुई है कार्ड से पेमेंट की, उसके ऊपर कोई चार्जेज उनसे नहीं लिए जाएंगे। इसके साथ ही MOU में बताया गया है कि जो बैंक है वो एक कंप्लेंट रिड्रेसल
मैकेनिज्म अपना बनाएगा जिससे अगर किसी की कंप्लेंट है, किसी की ग्रीवेंसेज है, किसी की बैंक के साथ प्रॉब्लम है, तो उसका निराकरण आसानी से किया जा सके। तो ये हर बैंक में अवेलेबल होगा। यानी बैंक से कोई प्रॉब्लम है तो बैंक से पूछा जा सकता है कि जो आपने डिफेंस पर्सनल के लिए जो ग्रीवेंसेज या कंप्लेंट रिड्रेसल के लिए मैकेनिज्म किया है, उसका अफसर कौन है, उसका डिटेल कौन है, क्या है, तो वहां बात करके अपनी प्रॉब्लम दी जा सकती है। जैसे खासकर बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है जिसमें सैलरी या पेंशन आ रहा है, बैंक उसको डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। इसके लिए ऑनलाइन भी कंप्लेंट दी जा सकती है और ऑफलाइन भी दी जा सकती है। तो उसका मैकेनिज्म बैंक के पास होगा, वहां से पता करके ये कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें आगे बताया गया है कि जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है यानी डेथ क्लेम है, उसके साथ ही जो परमानेंट डिसेबिलिटी है या पार्शियल डिसेबिलिटी का जो कवर है, उसकी जो इंश्योरेंस का जो क्लेम लेने का प्रोसीजर है, वो भी इन्होंने किसी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ है। उसके साथ जो क्लेम करने के लिए इनके पास एजेंट होंगे जो उनकी हेल्प करेंगे उसको क्लेम को लेने में, जो उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनके साथ, और जो ये सेटलमेंट करने का हालांकि काम होगा जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है कंपनी, तो उसके लिए जो प्रॉपर जो फॉर्मेट है वो एनेक्चर 5 में और 6 में दिए हुए हैं कि किस तरह से करना है, क्या करना है, उसमें डिटेल्स है। इसमें आगे हम बात करेंगे कि क्या क्या इंश्योरेंस दे रहे हैं या क्या क्या कवर दे रहे हैं। जो इंश्योरेंस का जो इंटीमेशन है बैंक को या जो उसकी इंश्योरेंस कंपनी है, उनको जो इंटीमेशन कोई भी हैपनिंग होने के 90 डेज के अंदर अंदर देनी है। साथ में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 180 डेज के अंदर सबमिट कर देने होते हैं। साथियों, इसमें आगे जो फीचर्स दिए गए हैं इसको भी आप टेबल में दिया हुआ है, उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। इस MOU का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, यानी 2 पार्ट में है, इसका हम जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ दी हुई है। मोटा मोटी हम यहाँ पे बता देते हैं कि जो कार्ड है, जो ATM कार्ड है, वो सिल्वर कार्ड होगा JCOR के लिए, अप टू द रैंक ऑफ मेजर यानी ऑफिसर्स के लिए लेफ्टिनेंट से लेकर मेजर तक गोल्ड होगा, लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल के लिए डायमंड होगा, और कर्नल से ऊपर के रैंक है जनरल साहब तक, ब्रिगेडियर से जनरल तक, उसका प्लेटिनम कार्ड होगा। उसमें मिनिमम बैलेंस 0 होगा, लाइफ टाइम यूनिक नंबर होगा अकाउंट का, यानी वो कभी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जहां भी जाएंगे वो ट्रांसफर होता रहेगा, वो एक ही रहेगा। जो ATM कम डेबिट कार्ड है, जो डोमेस्टिक क्लासिक होगा JCOR के लिए, जो ऑफिसर्स अप टू द रैंक ऑफ मेजर होगा उनका इंटरनेशनल गोल्ड कार्ड होगा, जो कर्नल एंड लेफ्टिनेंट कर्नल हैं उनके लिए इंटरनेशनल गोल्ड कार्ड होगा डेबिट कार्ड, और जो कर्नल से ऊपर ब्रिगेडियर से जनरल साहब तक है वो इंटरनेशनल प्लेटिनम डेबिट कार्ड होगा। इनमें सब में ही फ्री इश्यू एट ऑल ब्रांचेज, यानी सभी ब्रांचेज में ये कार्ड इश्यू हो जाएंगे। नो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, कोई मेंटेनेंस चार्ज इन पे नहीं लगेगा। एड ऑन कार्ड है स्पाउस के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सिंगल अकाउंट में भी, और जो अगर ज्वाइंट अकाउंट में भी ले सकते हैं, और सिंगल में जिसने लेना है वो ले सकते हैं। इसके साथ ही जो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है वो कार्ड के ऊपर अलग से होगा, यानी जो नॉर्मल इंश्योरेंस दे रहे हैं 30 लाख वाला, उसके अलावा होगा। जो सिल्वर अकाउंट होता है जो उसके कार्ड पे कुछ नहीं होगा, पर जो गोल्ड कार्ड है उस पे 2 लाख है, जो डायमंड कार्ड है उस पे भी 2 लाख है, और जो प्लेटिनम कार्ड है उस पे 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस एडिशनल है। इसके साथ ही जो परचेज प्रोटेक्शन है वो 50,000 रुपए तक का हर कार्ड पे है, यानी अगर किसी ने चोरी से आपका कार्ड ले लिया, पैसे निकाल लिए अकाउंट से, तो उसका एक तरह से प्रोटेक्शन है, परचेज प्रोटेक्शन, कोई सामान खरीद लेता है उसमें से, तो 50,000 तक हर कार्ड के ऊपर प्रोटेक्शन दिया हुआ है। साथियों, इसमें आगे जो ATM कार्ड्स की है जो लिमिट है वो दी हुई है अलग अलग कार्ड की, जैसे सिल्वर कार्ड की 40,000 रुपया है, जो गोल्ड कार्ड है उसकी 50,000 रुपया है, डायमंड कार्ड की भी 50,000 है, प्लेटिनम की 1,00,000 रुपया है। इस तरह इनकी अलग अलग चीजें दी हुई हैं। साथ में अभी जो आगे है जो कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस कवर है, बेनिफिट है, वो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस का है। अगर डेथ होती है तो 30,00,000 रुपया है, अगर एयर एक्सीडेंट में डेथ होती है तो वो 1,00,000 रुपया है, अगर परमानेंट या पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो उसके लिए 10,00,000 रुपया परमानेंट के लिए है। यानी ये 10,00,000 रुपया 4 अगस्त 2018 से 3 जनवरी 2019 तक है, उसके बाद ये 30,00,000 हो जाता है। परमानेंट डिसेबिलिटी का भी 4 जनवरी 2019 से, जो पार्शियल डिसेबिलिटी है उसके लिए 10,00,000 रुपया है 4 जनवरी 2019 से। इसके साथ ही जो एड ऑन कवर है, जो इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ अगर किसी अकाउंट होल्डर की हो जाती है, तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी बर्न मैक्सिमम 2,00,000 रुपया तक है। यानी अगर डिसेबिलिटी हो जाती है, उसको एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंटल कवर है उसमें। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इम्पोर्टेड मेडिसिन मैक्सिमम है वो 1,00,000 रुपया है। डेथ आफ्टर कोमा आफ्टर एक्सीडेंट
मोर देन 24 आवर्स है वो 2 लाख रुपया अलग से दिया जाता है। एयर एम्बुलेंस मैक्सिमम 5 लाख तक, अगर किसी को एयर एम्बुलेंस से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है तो 5 लाख तक रुपया है। हायर एजुकेशन यानी अगर बच्चे हैं ग्रेजुएशन या ऊपर की क्लासों में पढ़ रहे हैं तो 10% जो पर्सनल इंश्योरेंस एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का कवर है उसका 10% दिया जाएगा, मैक्सिमम ये 2 लाख रुपया होगा। इसके साथ ही जो गर्ल चाइल्ड है उसकी मैरिज के लिए जो 18 से 25 साल की एज में अगर मैरिज होती है तो 10% पर्सनल एक्सीडेंट कवर होगा उसका दिया जाएगा, मैक्सिमम 2 लाख तक होगा। फैमिली का ट्रांसपोर्टेशन है, अगर जैसे अकाउंट होल्डर के को चोट लगती है या डेथ होती है तो 20,000 रुपया ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिया जाएगा। रिपैट्रिएशन ऑफ मोर्टल रिमेंस, अगर डेथ हो जाती है तो उसके लिए 10,000 रुपया मोर्टल रिमेंस है उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिया जाएगा। एम्बुलेंस चार्ज के लिए 1500 रुपया दिया जाएगा। इन अकाउंट होल्डर्स को है वो इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी होगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। इसके साथ ही मल्टीसिटी चेक है वो अनलिमिटेड दिए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। चेक लीफ का या पेमेंट का कोई चार्ज नहीं रिकवर किया जाएगा। और जो रिक्वेस्ट है वो किसी भी ब्रांच में दे सकते हैं, यानी जो चेक बुक है उसकी रिक्वेस्ट किसी भी ब्रांच में दी जा सकती है। इसके साथ ही साथियों 2 महीने की जो सैलरी है उसको एडवांस भी बैंक से ले सकते हैं। जो लॉकर हैं उनके कोई चार्ज नहीं लगेंगे, यानी जो सिल्वर अकाउंट है गोल्ड अकाउंट है उनके कोई चार्ज नहीं लगेंगे। इसके अलावा जो अप्लीकेबल रेट है उसका 15% लगेगा डायमंड और प्लेटिनम कार्ड के लिए या अकाउंट के लिए। जो सेविंग प्लस है फैसिलिटी दी जाती है, जो ऑटो स्वीप की जो फैसिलिटी है 35,000 रुपये तक का जो FD है वो 35,000 रुपये तक अकाउंट में छोड़ करके उसके ऊपर का ऑटोमेटिक FD हो जाएगा, जब जरूरत पड़ती है तो उसमें से पैसे निकाल सकते हैं। 1,000 रुपये के गुणकों में कभी भी वो निकाला जा सकता है। इसके साथ ही जो कैश डिपॉजिट होगा उस पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, यानी बैंक अभी चार्ज लेना शुरू कर रहा है। जो कैश विड्रावल होगा वो 50,000 रुपये तक एक दिन में फ्री ऑफ चार्ज होगा। और जो पासबुक होगी वो दी जाएगी हर अकाउंट होल्डर को, और जो उसका अपडेशन है वो किसी भी ब्रांच से कर सकते हैं, यानी नॉन होम ब्रांच से भी कर सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। थ्रू आउट इंडिया कहीं भी पासबुक को अपडेट कर सकते हैं। DSP अकाउंट होल्डर्स हैं वो RTGS NFT है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, यानी उनका कोई चार्ज नहीं लगेगा। और साथ में ही अगर वो ड्राफ्ट बनवाते हैं तो अनलिमिटेड ड्राफ्ट बना सकते हैं, उनके ऊपर कोई चार्जेज नहीं लगेंगे। जो गोरखा है जो नेपाली सोल्जर्स हैं उनका भी कोई चार्ज नहीं लगेगा, वो अपने घर में फ्री ऑफ कॉस्ट ड्राफ्ट या रेमिटेंस कर सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके साथ ही होम लोन कार लोन प्रोसेसिंग फीस इसमें भी काफी छूट दी गई है। तो आपने देखा कि जो सैलरी अकाउंट होल्डर्स हैं उनको स्टेट बैंक काफी फैसिलिटीज दे रहा है। ये आप पढ़ सकते हैं, हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ये डिटेल में पढ़ सकते हैं। काफी लंबा डॉक्यूमेंट है जो हमने आपको बताया, ये थोड़ा ब्रीफ में है क्योंकि ये इतना एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है। साथ ही इसमें आगे फॉर्मेट दिए हुए हैं कि अगर किसी का नॉर्मल अकाउंट है तो उसको चेंज करने के लिए DSP अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका है। किसी ने अपना जो अकाउंट है सैलरी अकाउंट है स्टेट बैंक से कोई दूसरे बैंक में ले जाना है तो उसके लिए अलग फॉर्मेट दिया हुआ है, यानी कई तरह के फॉर्मेट इसमें दिए हुए हैं। जो क्लेम करना है इंश्योरेंस के टाइम पर, इंश्योरेंस अगर किसी का बनता है खुदा न खास्ता किसी के एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसका जो फॉर्मेट है वो दिए हुए हैं। इसमें सारे फॉर्मेट हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं देख सकते हैं, जरूरत होने पर उनका यूज भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। जय हिंद जय भारत।